देवी ए धरित्रीवासी जीवन सारा यही भ्रम रही था जे ये स्वयं निजर जीवन चलांती जीवन सारा ए मूर्ख को ज्ञान तो हो न था जीवन को पड़ोसी अन्य गोटे शक्ति परिचालित करुछि। स्वामी आपण कर्तव्य निष्ठा सारा जगत पर उदाहरण परंतु मारुति को यह स्थित पकेबा उचित नुहे। स्वामी मारुति प्रति तम मनरे अत्यधिक सहानुभूति जाग्रत होउची देवी तांको सरल निरीह बाल्य मुख देखि भली जाओनी देवी बड़ बड़ शक्ति को निज सामनारे हरई दे पारंती से अनियंत्रित शक्ति मान अछि तांको पाखरे जहा उपरे अंकुश लगे अनिर्वाच्य एही कारणरु जे पर्यंत मारुतिंकर एही बोध उत्पन्न हो न जाइछि अमंगल तांक परिवार भितरे कलह करी चली थिबो ता परे से परिवार समाप्त हो जाऊ पछे प्रभु मारुति कर्म फल को संतुलित करने शनिदेव तो एवं संपूर्ण किष्किंधा को युद्धर द्वार रे आनी ठिया करदे शनि निज भिन्न क्षम कारण समस्त धीरे चलुवा ग्रह ए क्षेत्र में जितेबाला शनि का जीवन में प्रवेश करती तेब एमित लगे सतवा समय अटकी जा सब प्रयास आबू कर्मर प्रभाव धीमा ही जाए भृंगी प्राणी आतुरता बढ़िवे लगी था परंतु से अदृश्य छाई को खोजे बालिनी और जीवी को देखो कुछ भी शनिदेव वर्तमान सहित संचित कर्म मध्य आकलन करती आउ ताकु ही आधार करी कर्म फल निर्धारण करती ताकु भोगिबा पई बाध्य करती एभली प्रचंड दृष्टि जे शनिंकर जहाठारु केही बंची परंती मारुति मु जानी छी जे तमे मोते चारी दिगो बुली खोजी चाली छो परंतु मोते तमे धरिबा बदल रे तमे तो स्वयं मो हाथरे धरा पड़ी जाई छो अर्थात मो जाल रे तमे फसी सारी छो एबे तुमको अमंगल प्रहार रु केही भी बंचेई पारिबेनी सुग्रीव काकांक सह घटीथिबा घटना जको मो माता पिता उदास अछंती यह सुनी आमको भी दुख लागुची मित्र ए संकट समय रे तम मित्र तम सहित अछंती तामले नेतृत्व रे आमे सब छाया करे छुट्टी करि देबु <laughs>
ଅମଙ୍ଗଳର ଛାୟାରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଏବେ ମୁଁ ମାରୁତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେବି। ତେବେ କେମିତି ଲାଗିବ ମାରୁତି, ଯେବେ ତମର ଏ ମିତ୍ର ତମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ? ଇଏ କିଭଳି ଶକ୍ତି ଯିଏ ଅମଙ୍ଗଳର ମାର୍ଗ ରୋକିଦେଲା? ଅସମ୍ଭବ, କେହି ଅମଙ୍ଗଳର ଛାୟାକୁ କିପରି ରୋକିପାରିବ? ବାଳକ, ତମେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିପରି ସମର୍ଥ ହେଲ? ମୋତେ ସର୍ବଦା ତମର ଉପସ୍ଥିତିର ଆଭାସ ଥିଲା। ସେଦିନ ବି ଯେବେ ତମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ମହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲ, ନିଜେ ବସିଭୂତ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥି ବ୍ୟବହାର କରାଇଥିଲ। ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଠିକି ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି କାଲି ଯେବେ ମୋର ସୁଗ୍ରୀବ କାକାଙ୍କୁ ବସିଭୂତ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି, ଆଜି ଯାଏ ଆମ ପରିବାରର ସ୍ନେହ ଆଉ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟକୁ ଅପାର କଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲଣି। ପରନ୍ତୁ ଏବେ ତମକୁ କିସ୍କିନ୍ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ହବ, ଯେମିତି ଆମ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଏକତାର ବାତାବରଣ ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରିବ। ମୋ ଉପସ୍ଥିତିର ଆଭାସ ହବା, ଏହା ହିଁ ତ ତମ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର କାରଣ ହବ। ବାଳକ, ମୋତେ ରୋକିବା ଅସମ୍ଭବ ତୁଚ୍ଛ। ବାଳକ, ମୁଁ ରୋକିବି ତମକୁ। ଏବେ ଏ କଥା କୁହ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯିବ ନା ମୋ ଗଦାର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧର ଚେତାବନୀ? ଯୁଦ୍ଧ ତ ଅମଙ୍ଗଳର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହିଁ ତ ଅମଙ୍ଗଳର ବିସ୍ତାର ହେଇଛି। ଲାଗୁଛି ତମେ ଏଠୁ ଆହତ ହେଇକି ଯିବ। ଦେଖ ବାଳକ, ତୁ ବି ଅମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧର ଭାଷା କହୁଛୁ। ବାକ୍ୟ କଳାରେ ତ ନିପୁଣ ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧ କଳାରେ କିପରି ତୁ। ଆରେ, ଇଏ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ଜଣା ପଡୁଛି। ହଁ ତ, ଆମ ସେନାପତି କଣ କମ କି ଏମିତି ବୁଲେଇକି କଚାରିବେ ଯେ ସେ ଛାୟାରେ ମାୟା ହିଁ ବାହାରି ଯିବ। ଏମିତି ମାନିବନି, ଦେଖୁଛି ତମକୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ଦେବତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମିଳିଥିବା ସିଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲି ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ତମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ପରନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ ମୋର ପୂଜା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାର ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଆମ ପରିବାରରୁ ଆଉ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଅନ୍ୟଥା ମୋତେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯିବ। ମଙ୍ଗଳର କ୍ରୋଧ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଦେଖିଛୁ କୋଉଠି ବାଳକ? ତୋ ପରିବାରର ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ କରିବା ଯାଏ ମୁଁ କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ତମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲକିବି ଯେ ଆଉ କେବେ ପୁଣି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବନି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।
महाराज भ्राता सुग्रीवंक विरुद्धरे युद्धर योजना करुछंती सूचना शत प्रतिशत सत्य राणीमा महाराज केसरींक सभारे सबु सभासद आहत काहेकि ना कुहना सुरीली काहेकि आहत थिले से माने कुमार सुग्रीवंक द्वारा आम महाराजंक अपमान केहि भी सह्य करि पारु नांती हे महादेव आउ एहि कारणरु महाराज केसरी कुमार सुग्रीवंक विरुद्धरे जाय युद्ध योजना करिछंती जहा किछि भी हेछि निसंदेह युद्ध तार समाधान नुहे महाराज तो एते निष्ठुर नुहंती कदाचित तांको आखपाखर मंत्रीगण से माने भावुकतारे बही जाइथिबे जदि से माने महाराजंक भावना को प्रभावित करि देबे तेबे नाही नाही मति महाराजंक रोकिबाकु हबो ए युद्ध हेबा उचित नुहे सुरीली बहु समय ते बितिगलानी जगन मालूती ए पर्यंत बाहर को काहे गे सुनांदी भाई अमंगल मास आमे पृथ्वी ऊपर अनेक गभीरता भीतर आछे आउ तम को ए जीवन दी करबा को जाउ छी मु खोलो मते बंधन रु म कथा जदि मानि थांत तालाजी मुक्त होई थांत तामले ए मीठा हसा कहि दो जे सेनापति जे तमे से अशुभ अमंगल को पढ़े देई जा पाठ एबे कोनसी अमंगल आमा राज्य रे प्रवेश करि पारिबानी रुमा समग्र किसकिंधा और सुमेरु को ज्ञान तो अच्छे महाराज केसरी और राजकुमार सुग्रीव परम मित्र एई स्थिति रे ताको मध्यरे हेतिबो मतभेद जेमिति बनरे लागितिबो अग्नि भली पूरा राज्य रे खेली जाइछि एहाही आश्चर्य कथा मोर तो हृदय एक कथा भाबे कंपी उठछि जे राजकुमार सुग्रीव महाराज केसरींकर विरुद्ध रे योजना प्रस्तुत करुछंती कणी सत्य सूचना नानी हाँ रुमा विश्वस्त सूत्र रु ज्ञान तो हेछि एमिति केमिति हे परिबो आमे समस्ते तो गोटी परिवार रो सदस्य सेतिपे मु तमको कहुछि रुमा तमे राजकुमार सुग्रीवंक सहित कथा हो आ ए कलह को कम करबा को चेष्टा करो ता कोट के बा पई जहा भी करबा संभव मु करबी नानी टिके शीघ्र करो हां मारुति तते कोन लागिला ए धरित्री मते रोकी देई पारिबो मूर्ख तू तुच्छ बानर तोर क्षमता एक पिंपुड़ी भली आउ कथा कहू सिंह परी हनुमान जय श्री राम वीर हनुमान जय श्री राम वीर हनुमान जय श्री राम अरे बाप रे बाप तमे माने कोन से आ देखो जा जहां मु देखो छे इतने शक्ति अछि हम सानो महाराज को पाखरे
शेषे अमंगल तो मुक्ति मिली गला। निज नेत्र उपरे विश्वास होउनी ना मारुति, देख मारुति, तथापि तू अमंगल को रोकी पारिलुनी, देख। एबे कह, मोते रोकिबा पाई आउ को अतिरिक्त योजना अछि तो पाखरे। एबे गोटे जागा अछि जे ना केवल तमाकू रोकिबा परंतु तमर अस्तित्व को भी नष्ट करी दबो। स्वामी प्राता सुग्रीव को व्यवहार रे क्रोधित होई आपण तांक विरुद्ध रे युद्ध रे योजना करुछंती। प्रजा क्रोधित अछंती, आम सैनिक क्रोधित होई छंती, आउ मोर मंत्री गण आहत होई छंती। एहा जानी जे प्राता सुग्रीव मोर तिरस्कार करिछंती, मोर अपमान करिछंती, आउ सेमाने सबु चाहुचंती जे सेमाने निज राजांक अपमानर प्रतिशोध नेबे। तेबे आपण कोन निष्पत्ति नेले स्वामी? प्रतिकूल परिस्थिति रे राजा भावुक होई परिबेनि, तांकु निज प्रजांकर मध्य भावनार संतुलन को अक्षुण्ण रखिबाकु हबो। सेथि पई जदि तांकु तांक विचारकु अस्थायी रूपे दमन करिबाकु पड़े तेबे ता उचित देवी। असंभव। मुदामा को रोकिबार जथा संभव प्रयास कलि, परंतु तमे निर्दोष लोकंकु कष्ट दबा पाई अड़ी बसिलो। एबे तमे जीबा पड़े चतु दिगरे शांति रहिबो। असंभव। प्रभु लागुची भोल आउ निरीह मारुतिंक पाखरे शनि देवंकर एही प्रहारर कोनोसी प्रतिकार नाही। हाँ प्रभु, जथा संभव प्रयास परे भी से अमंगल को रोकिबारे सक्षम होई पारु नाहंती। मारुति निजे जणे बालक भृंगी, आउ अमंगल भली शक्ति सह तांकर भेट प्रथम थर होउची। एहि कारण जे से अमंगल को बल प्रयोग द्वारा रोकिबाको प्रयास करुछंती। प्रभु मारुति को मार्गदर्शन रो आवश्यकता अछि, अन्यथा ए लुचो काली रो खेल एमिति चली थिबो। आउ अमंगल मारुति को छलना करी निज अनुचित योजना रे सफल होई जिबो। तू जे ते दिव्य शक्ति रो स्वामी हो पछे, किंतु जा हेले भी तू बालक ना। तोते जणा अछि ना अज्ञानी जे अमंगल पंच तत्व रे गोढा है नाही। तो परिवार रो आधार को दोहले ही देवी मु परस्पर रो रक्त पिपासु है जीवे तो आपना रो जन निज भीतर रो संपर्क जर्जरित तो है भांगी जीवो। एवे तमको एबाले बंधन रे बांधी बीचे आउ केबे भी मुक्त है बारी बनी। पुच्छा चमत्कारी देखाओ तमा शेषा चमत्कारी।
ଅମଙ୍ଗଳ ତ କେବଳ ଛାୟା, କେହି ତାକୁ କେବେ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୈବୀ ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ପରେ ବି ମାରୁତି ମୋର ପ୍ରଥମ ଚାଲରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ରହିଗଲେ।